हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवसी। दोस्तों आज हम फिर आपके साथ जुड़े हुए हैं, किस बात के लिए? तो IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ है, उसका एनालिसिस हम करेंगे, जानेंगे क्या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए और इस बार का पेपर कैसा आया है। SBI PO का एनालिसिस हम कर चुके हैं, IBPS RRB PO का एनालिसिस कर चुके हैं। SBI PO IBPS RRB PO में बच्चे परेशान हो गए थे, क्या किस तरीके के GA के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो दोस्तों आज के बारे में भी जानेंगे क्या किस तरीके से GA पूछा गया है, कैसा आया है, बच्चे क्या कितना प्रश्न हुए, कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्या क्या टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए और इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको आगे एग्जाम देने जाना है IBPS क्लर्क का। ठीक है, तो दोस्तों हम जुड़ेंगे, ठीक है, कॉल पे जुड़ेंगे, जो भी हमारे साथ पेपर देकर के अभी निकले हैं, ठीक है, उनसे हम जुड़ेंगे, जिनसे भी हमारी बात हो जाएगी हम सीधे रिव्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों एक सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर क्या नाम है आपका बता सकते हैं? आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनका कानपुर में एग्जाम था। आशीष जी कैसा हुआ आपका एग्जाम? जी अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, तो आशीष जी अटेम्प्ट कितने किए हैं आपने? चलिए अच्छा एक बात बताइए, मैथ में क्या क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं? तीन डी आई थे। एक मिनट जस्ट मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, तीन डी आई थे। ठीक है, तीन डी आई थे। डी आई किस पे बेस थी बता सकते हैं? डी आई किस पे बेस थी सर? एक तो बार ग्राफ था। एक बार ग्राफ डी आई था, ठीक है, और एक पाई चार्ट था। एक पाई चार्ट था, एक कैसलेट थी। एक कैसलेट थी जी, कैसलेट इजी थी। कैसलेट बहुत इजी थी जी। और बताइएगा सर टॉपिक, कोई सीरीज आई थी यहाँ पर रॉन्ग नंबर मिसिंग नंबर? जी रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। तीन से चार क्वेश्चन थे रॉन्ग नंबर सीरीज के जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं सर, क्वाड्रेटिक नहीं थे। नहीं थी। और अर्थमेटिक थी। अर्थमेटिक में क्या क्या था सर? प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन था कोई? जी प्रॉफिट लॉस का था। अच्छा, SICI रिलेटेड था, मिक्स था। अच्छा, एवरेज पे कोई क्वेश्चन? जी एवरेज पे था। एवरेज पे भी क्वेश्चन था। और एज पे कोई क्वेश्चन? एज बेस्ड, एज बेस्ड क्वेश्चन था। एज बेस्ड क्वेश्चन था जी। प्रॉफिट लॉस का था। प्रॉफिट एंड लॉस आपने बता दिया। प्रोबेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन देखने को मिला? टाइम एंड वर्क था। टाइम एंड वर्क था। प्रोबेबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं मिला। टाइम एंड वर्क पे कितने क्वेश्चन थे? टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन थे। पार्टनरशिप से थे? पार्टनरशिप से कितने क्वेश्चन थे? दो क्वेश्चन पार्टनरशिप से भी थे। चलिए अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चन थे? अच्छा, एक से दो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस पे आए थे। CISI पे एक क्वेश्चन था। चलिए और कुछ याद आ रहा हो आपको इसके अलावा? अप्रोक्सीमेशन पे कोई क्वेश्चन? जी अप्रोक्सीमेशन पे कितने थे? थ्री टू फोर क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे जी। चलिए तो ओवरऑल अगर मैं मैथ को बात करूं यहाँ पर कैसा था? इजी टू मॉडरेट या डिफिकल्ट या कैलकुलेटिव? कैसा? मॉडरेट था। बहुत ज्यादा DI में कैलकुलेशन तो नहीं थी? नहीं सर, DI में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। अच्छा, DI में ज्यादा कैलकुलेशन थी। क्या कह रहे हैं सर? जो कैलकुलेट थी वो तो इजी थी। हाँ, बाकी बार ग्राफ में थोड़ा मुझे रीजनिंग के बारे में सर, रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया? स्लॉग से कोई क्वेश्चन? स्लॉग से नहीं था जी। नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले पजल बताइए कितनी आई थी? फोर टू फाइव पजल आई थी जी सर। किस पे बेस्ड पजल थी कुछ? सर एक सर्कल बेस्ड थी, 9 मेंबर। सर्कल बेस्ड थी 9 मेंबर जी। और एक फ्लोर बेस्ड थी 6 मेंबर। फ्लोर बेस्ड थी 6 मेंबर जी। टू वेरिएबल में 6 मेंबर, 2 वेरिएबल जी। और बताइए सर अगली। सर फ्लोर बेस्ड 2 थी। क्या सर? फ्लोर बेस्ड 2 थी
जी सर। अच्छा, फ्लोर बेस्ड दो पजल आई थी। जी बिल्कुल, और एक लाइन बेस्ड था साउथ नॉर्थ साउथ। जी लाइन बेस्ड था नॉर्थ और साउथ, जी सिंगल लाइन पे। जी सिंगल लाइन पे। और इनइक्वालिटी था इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर? दो दो इनइक्वालिटी से के थे, कितने? दो से तीन क्वेश्चन थे सर। दो से तीन क्वेश्चन, ठीक है सर। जी और ब्लड रिलेशन पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है? जी 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 कितने क्वेश्चंस? ब्लड रिलेशन टाइप वही मतलब स्टेटमेंट दिया हुआ था, उससे रिलेटेड दो दो टू टू थ्री क्वेश्चन थे। जी अच्छा, और ऑर्डर और रैंकिंग, ऑर्डर या कंपैरिजन से कोई क्वेश्चन? नहीं, ऑर्डर रैंकिंग से नहीं होगा। ऑर्डर रैंकिंग से कोई क्वेश्चन? इनइक्वालिटी ब्लैंक बेस थी। इनइक्वालिटी कौन सा बेस था सर? ब्लैंक थी, ब्लैंक में अच्छा कौन सा ब्लैंक, साइन आएगा। अच्छा, ब्लैंक बेस्ड, ठीक है। तो सर यहाँ पर चलो ये तो, और बताइए कुछ याद आ रहा हो इनके अलावा चीजें पजल रीजनिंग में? नहीं सर, और तो नहीं याद आ रहा अच्छा, रीजनिंग में अटेम्प्ट कितना किया आपने ये बताइए मुझे? सर। 33 अटेम्प्ट था। 33 अटेम्प्ट किया आपने। अच्छा सर, हिंदी या इंग्लिश में से क्या अटेम्प्ट किया आपने ये बताइए मुझे? हिंदी सर हिंदी किया मैंने। जी किया है। हिंदी में कितना किया है आपने बताइए मुझे? सर हिंदी में 36 अटेम्प्ट किए हैं। 36 अटेम्प्ट गया है आपका जी, हिंदी? पैसेज था एक। हाँ बिल्कुल, पैसेज था एक सर, ठीक है बिल्कुल। सर और वो है ना कि जैसे वर्ड्स है कौन सा रॉन्ग वर्ड, हाँ और सर वो जैसे होता है ना सेंटेंस पजल में अरेंज करके एबीसीडी की फॉर्म में 5 सेंटेंस पूरा सेंटेंस बनाना होता है। चलिए बिल्कुल। और कैसी आई थी ये बताइए? मॉडरेट थी, इजी थी, सर डिफिकल्ट इजी थी? था, इजी थी, इजी थी बहुत इजी था, जी। ठीक है। तो पैसेज पे क्वेश्चंस हो गए, कुछ उस पे आए थे जो सिनोनियम एंटोनियम्स मतलब विलोम विलोम उस पे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, टोटल सिनोनियम एंटोनियम्स थे यहाँ पर? 4 to 5 क्वेश्चन थे दोनों अच्छा, मैक्स। पैसेज सिर्फ एक ही आया था? जी एक पैसे आया था जिससे क्वेश्चन निकाल के मतलब फाइंड करके लिखने थे करने जी थे, और एक ब्लैंक में आया था दो अच्छा। चलिए पैसे। चलिए अब सर मेन आते हैं जीए पे। जीए कैसा आया इस बार ये बताइए, सबसे ज्यादा टेंशन जीए में जी रहती है। सर इजी टू मॉडरेट था, क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था? आए अपने उससे। अच्छा, जो मैंने कराया था सर, क्वेश्चंस मिले हैं जी आपको? जी 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 अच्छा सर, कितने करके आप आए हैं जीए में ये बताइए मुझे? सर 29 किए हैं। 29 आपने किए हैं, जी तो मतलब जीए ने परेशान तो नहीं किया जैसे आईबीपीएस आरआरबी पीओ में परेशान कर दिया था? नहीं, सर अच्छा परेशान नहीं किया, बस कुछ क्वेश्चन ऐसा था सर अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन जो थोड़ा घुमा के पूछे गए थे, बाकी अच्छा थोड़ा घुमा के पूछे गए थे। अच्छा जी बाकी अगस्त से इधर ही पूछा गया था पूरा, अगस्त से जनवरी। जी अगस्त से लेकर के जनवरी तक पूछा गया है? जी सर एक क्वेश्चन वही उससे रिलेटेड था, सरदार वल्लभ भाई पटेल केवड़िया से रिलेटेड। अच्छा केवाड़िया से रिलेटेड था, क्वेश्चन क्या था कुछ जी बता सकते हैं सर? मतलब क्या पूछा गया था? सर ये पूछा गया था कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है समथिंग, मतलब वही नर्मदा मेंशन कर हाँ रखा था, अच्छा नर्मदा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड था सर जी कुछ क्वेश्चन जी याद। और क्वेश्चन बताइए सर जीए सर में जो आपको एक याद हो। ओटीटी करके मॉडल करके कुछ था। हाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म को जी प्लेटफॉर्म से जी रिलेटेड जी जी था जी जी जी। और बताइए सर, और जो आपको याद आ रहा हो वो बता दीजिए आप। अच्छा बैंकिंग से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? बैंकिंग से जी आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अच्छा, क्या था क्वेश्चन, कुछ आइडिया? सर क्वेश्चन नहीं याद है जी। क्वेश्चन नहीं याद है? चलिए नहीं सर। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए अच्छा उससे मतलब जी, ये जो स्कीम सर से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन थे। जी स्कीम रिलेटेड, सर ठीक है, स्कीम बता सकते हैं कौन सी पूछी गई स्कीम, कोई सर आइडिया? एक ये किसान कल्याण मिशन करके है, हाँ किसान कल्याण मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा ठीक। जी और बैंकिंग पे और मतलब जो कोर बैंकिंग होती है ना जैसे पीएसएल वगैरह, ठीक है, बैंकिंग के जी बेसिक्स वगैरह उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए? याद नहीं है सर अच्छा कोई बात उससे। नहीं, स्टैटिक से कोई पार्ट पूछा गया स्टैटिक पे?
स्टैटिक से सर जैसे नेशनल पार्क हो गया, हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ अच्छा आता है? जी, अच्छा फेस्टिवल पे क्वेश्चन पूछा गया है, हार्नबिल फेस्टिवल पूछा गया है, हॉर्नबिल जी, अच्छा हाँ नागालैंड इसका स्थापना दिवस होता है, हाँ बिल्कुल सर। एक ये 1958 बेस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ। अच्छा बेस ईयर रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, चलिए और तो जीए में कुल मिलाकर के आप अच्छा करके आए हैं, 29 अटेम्प्ट अच्छा अटेम्प्ट है जी। अब यही है कि एक्यूरेसी अगर मैटर करती है तो चीजें नो डाउट आप अच्छा करके आए हैं, ठीक है। तो जीए जो कराया था करंट अफेयर्स का पार्ट ज्यादा था या बैंकिंग और स्टैटिक को रिलेट करेंगे? मिक्स था सर, सब मिक्स था, लेकिन करंट अफेयर्स का पार्ट मतलब ज्यादा था या नहीं था ये बताइए। 10-15 क्वेश्चन थे सर। कितनी? 10-15 क्वेश्चन ये करंट अफेयर्स के जी। अच्छा तो बाकी क्वेश्चन बैंकिंग और स्टैटिक से थे? जी बैंकिंग और स्टैटिक से मिक्स थे। अच्छा बैंकिंग और स्टैटिक के मिक्स थे, चलिए एक बार फिर से ओवरऑल अटेम्प्ट आप अपना अपना बता दीजिए। 150 अटेम्प्ट आपने किए हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आप अच्छे से पेपर देकर के आए हैं, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है, आगे जैसा भी होता है ठीक है बताइएगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, तो एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैम हैं, मैम का एग्जाम मणिपुर में था, वो आपको बता रहे हैं क्या किस तरीके से चीजें आई हैं। जी मैम, अखिलेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। मैम कैसा रहा आपका एग्जाम, अगेन बताइए ओवरऑल आपका कैसा रहा, मतलब डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था आपके हिसाब से? सर एग्जाम तो एकदम इजी था, मतलब इजी तो मॉडरेट ही था सर एग्जाम जी। हाँ मैथ भी इजी आया था, रीजनिंग भी इजी आया था जी, इंग्लिश भी इजी आया था सर, और कंप्यूटर भी इजी आया था, और जो जीए सेक्शन है सर वो एकदम पुरानी न्यूज है सर, पुरानी। अच्छा जुलाई का? यस सर, यस यस, बताइए बताइए आप। हाँ जुलाई सितंबर अगस्त और नवंबर का एक आया था, वो तो सुमित्रा चटर्जी एक सर एक। अच्छा हाँ, दिसंबर का इधर नहीं आया, दिसंबर और जनवरी से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए? नहीं आया सर, मेरे हिसाब से तो सर मेरे एक भी नहीं मिला सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब एक बात आप मैथ में बताइए, मैं मैथ में डीआई वीआई कितनी आई थी, पूरा आप मैथ का बताइए। डीआई सर एक केसलेट आया था, डीआई एक केसलेट आया था, एक केसलेट आया था और एक बार ग्राफ आया था, और एक वो रेशियो मैन मेल फीमेल करके एक रेशियो आया था सर, वो तीन आया था। ओके ओके, मेल फीमेल करके रेशियो आया था। हाँ सर जी, तो तीन डीआई आई थी। Yes, sir, तीन डीआई को मिला के क्वेश्चंस लगभग 15 हो गए ना? हाँ 15 हो गया सर, 15 क्वेश्चंस। और सीरीज पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है? सीरीज आया था सर, 5 सीरीज आया था, और अप्रोक्सीमेशन भी आया था सर। अप्रोक्सीमेशन भी आया था, 5 अप्रोक्सीमेशन कितने मार्क्स का था सर? 5 आया था अप्रोक्सीमेशन, 5 आया था अप्रोक्सीमेशन। हाँ सर, 5 अप्रोक्सीमेशन हो गया, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, ठीक है 15 मार्क्स की आपकी डीआई हो गई। और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे किस टॉपिक से? और सर बाकी तो सर एरिथमेटिक से पूछा था सर। अच्छा अर्थ प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई क्वेश्चन था? यस सर, प्रॉफिट एंड लॉस भी था, और जो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 का भी 2-3 शायद सर। अच्छा पूछा था सर। अच्छा एवरेज पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है? एवरेज को सर एक ही क्वेश्चन आया था सर, एक ही क्वेश्चन था। यस सर, एज रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं? हां सर, एज रिलेटेड भी सर एक ही मिला था, बिकॉज़ मैंने सर मतलब क्वांट जो है मैंने सबसे लास्ट किया था सर। अच्छा, तो क्वांट जो इतना अटेम्प्ट कर नहीं पाया, इजी आया था लेकिन इतना अटेम्प्ट कर नहीं पाया था। मैंने सर फर्स्ट मैंने कंप्यूटर किया था, नेक्स्ट जीए किया था, नेक्स्ट इंग्लिश किया था, नेक्स्ट रीजनिंग किया था, नेक्स्ट मैंने क्वांट किया था, तो मैंने मतलब कट ऑफ क्लियर मतलब करने के लिए ही मैंने अटेम्प्ट किया था, कि मैंने एक्यूरेसी के साथ मैंने 16 ही अटेम्प्ट किया था क्वांट में। बहुत अच्छी बात है। यस सर, और जो रीजनिंग सेक्शन है सर सबसे इजी रीजनिंग सेक्शन था सर। सबसे इजी पहले ये बता दीजिए मुझे, मैथ में टोटल अटेम्प्ट कितना किया आपने? सर मैंने तो क्वांट में सर मैंने 16 ही किया था, बिकॉज मैं सबसे लास्ट किया था तो टाइम नहीं मिला था इजी आने से भी, तो कोई बात नहीं। हाँ सर, अब रीजनिंग बताइए जो आप कह रहे हैं ना सबसे इजी आया था, रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया है? रीजनिंग में सर तीन ये आया था सर पजल, यस तीन पजल आया था सर, तीन पजल आई थी। हाँ तो मैंने तीन सब किया था जी। और हाँ सर, और
क्या क्या आया था, पजल किससे रिलेटेड थी? कोई फ्लोर बेस्ड पजल थी? फ्लोर बेस्ड, हाँ सर, एक वो फ्लोर बेस्ड पजल का एक आया था, वो दो क्वांटिटी दिया था, एक सिक्स फ्लोर का एक पजल आया था, उसमें एक पर्सन और एक कलर के हिसाब से एक आया था जी, और एक और बॉक्स, 11 बॉक्स से एक आया था सर। अच्छा, बॉक्स बेस्ड पजल थी? यस यस, बॉक्स बेस्ड पजल भी था और ये फ्लोर बेस्ड पजल भी था। फ्लोर बेस्ड पजल भी था, बॉक्स बेस्ड पजल भी था। यस सर। और सर्किल, सर्किल से कोई था नॉर्थ और साउथ? नहीं नहीं था सर, सर्कल का एक भी नहीं था। ओ, एक था सर, एक था, हाँ यस, हाँ 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 सर, और मतलब चार पजल आया था सर, मैंने एक नहीं किया, तीन किया था सर मैंने। अच्छा। सर्कल वाला किया था। अच्छा। और ये फ्लोर बेस्ड पजल किया था जी, और एक वो जो बॉक्स वाला, मतलब क्या क्या बोलता है वो सर, वो ये बिल्कुल बिल्कुल बताइए आप। हाँ हाँ हाँ, जो अरेंजमेंट एक होता है ना सर, वो जी क्या बोलता है, वो बॉक्स ही है। अच्छा, एक बॉक्स का, समझ एक सर्कल का और एक जी, वो इसका फ्लोर का फ्लोर आया का। था। अच्छा, ठीक, एक मैंने अटेंड करने करने कर नहीं पाया, वो तीन क्वांटिटी था उसका। अच्छा तो मैंने अटेंड नहीं किया था सर। अच्छा ये जो बॉक्स, ये जो आप फ्लोर बेस्ड पजल हैं, इसमें सिक्स मेंबर पजल थी ये? बॉक्स में फ्लोर वाला सिक्स मेंबर था सर, सिक्स जी, फ्लोर और सिक्स वेरिएबल, वेरिएबल पर्सन, टू वेरिएबल थे यहाँ पर, टू वेरिएबल था सर, एक कलर का, तो जी फ्लोर वाला कलर के साथ वो किया था। और जी, और इनइक्वालिटी पे कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं? इनइक्वालिटी में सर मेरे नहीं सर, एक भी नहीं मिला इनइक्वालिटी इसमें सर। अच्छा, स्लॉग, स्लॉग पे कोई क्वेश्चन सर? स्लॉग, स्लॉग स्लॉग से नहीं सर, ये सब नहीं आया सर। अच्छा, और एक आया था कि ब्लड रिलेशन का आया था सर, और एक डायरेक्शन का आया था, वो मतलब वो एकदम इजी था, लेकिन मैं कर नहीं पाया, बिकॉज वहां पे मैं टाइम देने से 5 मिनट नहीं दे पाएगा, मेरा अच्छा क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने छोड़ ही दिया सर। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। सर ऑर्डर एंड कंपैरिजन से कोई क्वेश्चन? ऑर्डर रैंकिंग, लाइक ऑर्डर एंड कंपैरिजन में तो सर, ऑर्डर एंड कंपैरिजन में नहीं आया सर। अच्छा, और सर एक जो एक 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 वर्ड्स देके उसमें एक कंसोनेंट, मतलब वो प्रीवियस में चेंज करके बाउल में एक वो सक्सेसिव चेंज करके कितना, मतलब वो जी मतलब कितना रिपीटेड वर्ड्स आया, वो एक एक कुछा जी। और सर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का एक क्वेश्चन वो भी कुछा था सर। अच्छा हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कितने अटेम्प्ट किया आपने रीजनिंग में सर? मैंने रीजनिंग में सर, सर मैं मतलब मैंने नहीं देखा था, मैं ओवरऑल ही देखा था। अच्छा, कोई बात नहीं तो हाँ। चलो कोई बात नहीं। तो इंग्लिश में, इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश तो सर इजी ही था, इंग्लिश भी सर इजी था, एक पैसेज आया था और ईयर डिटेक्शन भी, वो भी सर एकदम नॉर्मल वाला ईयर डिटेक्शन। अच्छा, और एक रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चन का आया था, वो भी इतना टफ नहीं था सर, लाइक पीओ जो प्रीलिम्स होता है ना सर, जी के हिसाब से आया था क्वेश्चंस जी। कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चंस थे? कॉम्प्रिहेंशन के सर 7 या 8 क्वेश्चन ऐसा था सर, 7 या 8 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के पूछे गए थे। हाँ सर। और फ्रेश और सर, जी हाँ बताइए। और जो सर एक वो एक वर्ड्स देके वो सिनोनियम बताओ, वो एंटोनियम बताओ, जी मतलब रीडिंग में नहीं था, वो अलग से क्वेश्चन पूछा था, एक उसका एंटोनियम बताओ, उसका सिनोनियम बताओ करके 3-4 वर्ड्स था शायद सर। ओके 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 ओके, लेकिन कितना है वो मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5 ऐसा कुछ था सर, सिनोनियम एंटोनियम वर्ड्स जी। एरर, एरर डिटेक्शन नॉर्मल आया था? क्वेश्चंस कितने थे? नॉर्मल वाला था, एकदम नॉर्मल वाला जो प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है वही आया था सर। क्वेश्चन कितने थे टोटल? टोटल 40 था सर। नहीं नहीं 40 नहीं, एरर डिटेक्शन में कितने क्वेश्चन थे? एरर में सर 5 ही था। एरर में 5 ही क्वेश्चन थे, और रीअरेंज में भी सर 5 क्वेश्चन था। अच्छा, ये फ्रेज और ईडियम रिप्लेसमेंट पे कोई क्वेश्चन मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला। हाँ। और पैराजम्बल पूछा गया था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट? यस सर, 5 क्वेश्चन पूछा था, वो भी एकदम इजी वाला सर, जो मतलब वो अच्छा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में जो पूछा जाता जी, है, अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया आपने। हाँ। चलिए, और अरेंज, ये जो सिंगल सेंटेंस का अरेंज, अरेंजिंग वगैरह कुछ इस तरीके का, डबल फिलर्स या कुछ फिलर्स पे क्वेश्चंस? नहीं सर, नहीं देखा सर मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं। इंग्लिश कितने अटेम्प्ट किए, ये गिना था नहीं गिना था आपने? नहीं देखा सर। अच्छा, वो नहीं देखा सर, चलिए लास्ट में मैं भूल ही गया था, मैं टोटल अच्छा ओवरऑल ही देखा था सर। कोई बात नहीं, कोई बात। अब लेकिन तो सर इंग्लिश में तो पता नहीं सर, किया था लेकिन मतलब नेगेटिव हो जाता है ना, मतलब
श्योर नहीं होता है कभी कभी, जी तो पता नहीं था कितना मतलब ये होगा जी। तो किया जी था लेकिन अब आते हैं सीधे सीधे अपने सब्जेक्ट पे, जीए पे, हाँ, जनरल अवेयरनेस का आप बताइए मुझे कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद हो। जीए में तो सर मतलब एकदम ऑल क्या बोलते हैं सर, एकदम मतलब रिसेंट वाला नहीं आया सर, सब पुरानी लाइक जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का भी मेरे को नहीं मिला सर, पता नहीं मतलब इतना तो अच्छा। ट्राई किया था, पता नहीं ये सर नहीं मिला। और जो एक सर मेरे को एक क्वेश्चन याद है, जो टाइगर्स डे होता है ना सर, हाँ 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 टाइगर्स डे जी, हाँ टाइगर्स डे एक पूछा था जी। और हाँ और जो सर हिरोशिमा डे, हिरोशिमा डे अगस्त को होता है, हाँ सर जी यस, वो एक पूछा था। और सर सुमित्रा चटर्जी जो ओबिचरिटी है वो पूछा था सर जी। और कोई याद हो आपको, कोई स्कीम पे क्वेश्चन पूछा गया? सर स्कीम में तो बहुत पूछा था सर, लेकिन पता नहीं सर मेरे अच्छा को, मतलब अभी तो इतना याद नहीं है, अच्छा बाद कोई में बात याद नहीं। अच्छा करंट होगा शायद। करंट ज्यादा मतलब कोर बैंकिंग से कोई क्वेश्चन पूछेगा लाइक सर वो एसपीएसएल? एक वो, सर एक वो मतलब एक पूछा था वो कि सर पेमेंट बैंक जो मिनिमम पेरअप कैपिटल कितना है? अच्छा 100 करोड़। यस 100 करोड़ सर। यस यस ठीक। और स्टैटिक पे कोई क्वेश्चन लाइक एज नेशनल पार्क पे या कोई भी डैम्स पे, न्यूक्लियर ये प्लांट्स? नहीं मिला सर मैंने, हाँ अच्छा नहीं मिला आपको। नहीं मिला, डांस ये सब कुछ भी नहीं मिला, मतलब लाइक इतना तो पढ़ा है कि या मैंने जनरल अवेयरनेस का हाँ एक भी हाँ क्वेश्चन नहीं आया था ये सब, मतलब जो रिसेंट जो स्पोर्ट्स का होता है और जो अच्छा। हाँ ये सब जो न्यूज तो ये सब ओवरऑल आप सर मतलब क्या बताएंगे, जीए इजी आया, मॉडरेट आया, डिफिकल्ट आया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सर मॉडरेट आया था जी, इतना भी अच्छा टफ नहीं था और इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि मेरे को मतलब जो बहुत पुरानी न्यूज हो गया ना तो आदमी लोग हाँ को मतलब ये रिवीजन करने का टाइम नहीं होता, इतना पुरानी न्यूज इतना मतलब जुलाई का मतलब इतना नहीं होता है मतलब याद हाँ करने में, मतलब बिल्कुल सही रिवीजन बात थोड़ा है, कम होता है, तो मेरे बिल्कुल हिसाब से बिल्कुल। तो सर मेरे हिसाब से तो सर मॉडरेट है, लेकिन बाकी का सर नहीं पता मुझे। अच्छा हाँ कोई बात नहीं। तो अब और कोई क्वेश्चन याद आ रहा है इतने समय में? सर चलो कोई बात नहीं, अगर आपको क्वेश्चन याद आए तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं बाद में उसका रिव्यू कर लूंगा। कंप्यूटर अब बता दीजिए थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर अच्छा कंप्यूटर इजी आया था। इजी आया था सर, हाँ कंप्यूटर में अटेम्प्ट कितने किए आपने, कुछ याद है आपको? कंप्यूटर इजी आया था। सर मेरे को मतलब 30-40 तो नहीं किया मैंने, 36 जैसा किया था, 35 जैसा किया था अच्छा सर, 36 के आसपास का किया था। हाँ 35-36 के आसपास किया था, थोड़ा गलत हो सकते मतलब जी जी थोड़ा जी मतलब डाउट था तो थोड़ा एक दो टुकार मार दिया था मैंने। अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ एक बार फिर से अपना टोटल अटेम्प्ट बता दीजिए जो याद है आपको। सर मैंने 143 अटेम्प्ट किए थे सर, 143 अटेम्प्ट किए हाँ सर, हैं लेकिन कौन सबसे मैंने कम किया था बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं मिला था, तो जी मैंने कट ऑफ क्लियर होने से भी हो जाया करके मैंने जो जितना जी मैं इजी क्वेश्चन था मैंने जो वो कर लिया था, 16 जी क्वेश्चन ही किया था मैं। जी 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 हाँ चलिए तो ये आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है काफी लोग अब जान जाएंगे क्या किस तरीके से। और अभी अगर आईबीपीएस सर क्लर्क का पेपर है आपका? हाँ क्लर्क का पेपर है सर 28 को मेरा, 28 को, तो चलिए यस सर 28 को फिर मैं आपसे जुड़ूंगा, क्लर्क का रिव्यू मैं आपसे लूंगा। हाँ सर, तो अगर जीए का अगर याद होने से सर मैं आपको मैसेज कर जी दूंगी, बिल्कुल श्योर श्योर ठीक श्योर। है सर? ओके ओके मैम, थैंक हाँ यू हाँ सर, थैंक हाँ यू हाँ सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर रिव्यू मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, मैथ में क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों। तो पेपर जो आया वो इजी टू मॉडरेट आया है, जैसा कि हमने दो रिव्यूज यहाँ पर आपके सामने लिए हैं उसके बिहाफ पे हमें पता चला है जीए मॉडरेट आई है। 100 लोगों से हमने बात करी कानपुर से, ठीक है सर थे आशीष जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया था कि अगस्त से लेकर के जनवरी तक की जीए पूछी गई है। लेकिन मैम से अभी बात हुई है जिन्होंने मणिपुर में एग्जाम दिया है, ठीक है उन्होंने बताया कि सर इधर की जीए नहीं पूछी गई है, जीए जो हमसे पूछी गई है वो जून जुलाई अगस्त साइट की पूछी गई है, लाइक एज हिरोशिमा डे, टाइगर्स डे, ये चीजें पूछी गई हैं। अब देखिए जीए के एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं वो कुछ देर में जब रिव्यूज करेंगे, कुछ और बच्चों के मैसेजेस आएंगे हमारे पास, तो हम जीए में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए एग्जैक्ट उन पे बात करेंगे। क्योंकि जब पेपर देकर के आप और हम ठीक है निकलते हैं पेपर देकर के, तो इतना माइंड एकदम से रिकॉल नहीं होता है, जहां पर हम रिव्यू देकर के निकलते भी आप जानते हैं पूरा का पूरा क्राउड होता है तो उतना याद नहीं आता है, धीरे धीरे जो मैम जो आपकी अगेन क्या है मेमोरी रिकॉल होता है जब चीजें, तो रिकॉल होने के बाद बताया जाएगा। तो जीए पे क्या क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।